किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। बड़े मियां छोटे मियां में इस तरह के कई डायलॉग देखने को मिलेंगे। हालांकि फिल्म का मिक्स्ड रिस्पांस आया है, लेकिन दो बड़े स्टार्स को स्क्रीन पर एक साथ देखने का मजा चाहिए तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी तीन खबरें बताएंगे, तो बांध लीजिए सीट की पेटी क्योंकि तेजी से उड़ान भरने वाला हमारा खबरों का विमान जल्द ही टेक ऑफ होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं फिल्म की स्क्रीनिंग से। ईद के मौके पर टाइगर और अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म जनता के लिए रिलीज कर दी गई है। फिल्म की चर्चाएं काफी दिनों से थी, इसीलिए इस फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिल्म रिलीज से ठीक एक दिन पहले टाइगर और अक्षय ने अपने खास लोगों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें तमाम सितारों ने शिरकत की। सबसे ऊपर नाम था रितेश देशमुख और जेनेलिया का, जो अपने दोस्त की फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। इस स्क्रीनिंग में जेकी भगनानी और रकुल भी पहुंचे, साथ ही शिल्पा शेट्टी सपरिवार साथ में स्क्रीनिंग के लिए पहुंची। भूमि पेडनेकर से लेकर तमाम नामी सितारों की गाड़ियां यहां स्पॉट की गई। वहीं टाइगर श्रॉफ भी यहां अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए पहुंचे। अब सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मोटे तौर पर आपको बता दें कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए काफी बड़े बड़े सितारों ने शिरकत की। उप्स, शिट शिट शिट, एक नाम तो बताना ही भूल गई, दिशा पटनी का। ये कैसे भूल सकती हूँ, यही तो है हमारी दूसरी सबसे बड़ी खबर। इस स्क्रीनिंग के लिए टाइगर की एक्स गर्लफ्रेंड दिशा पटनी भी पहुंची थी। पिंक कलर के ड्रेस में दिशा दिखी एकदम सिंपल, पर ये बात समझ नहीं आई कि आखिर दिशा का इस फिल्म से क्या लेना देना। ना दिशा फिल्म का हिस्सा है और ना ही टाइगर से उनका अब कोई रिश्ता है। फिर ये स्क्रीनिंग के लिए पहुंचना, बात कुछ हजम सी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से दोनों के बीच प्यार का फूल खिलने वाला है। वेल, अगर ऐसा होगा तो फिर से हमारे छोटे मियां का घर बस सकता है, वरना यूं ही कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन बनी रहेगी। वैसे दिशा का वहां जाना कई लोगों को फुसफुसाने पर मजबूर तो कर ही रहा है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। वैसे ठीक भी है, दिशा से ब्रेकअप के बाद टाइगर अभी तक सिंगल ही है, तो ऐसे में अगर एक्स गर्लफ्रेंड फिर से दस्तक दे रही है तो क्या बुरा है भाई। ये सब देखकर मुझे तो सिर्फ एक ही शेर याद आ रहा है, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। जोक्स अपार्ट, किसी के ब्रेकअप का यू मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलिए अब तीसरी खबर सुनिए। सुनने में आया है कि छोटे मियां को वापस लाइमलाइट में लाने के लिए अक्षय कुमार ने बड़ी मेहनत की है। टाइगर तो टाइगर, अपनी भी किस्मत आजमा रहे, यू तो अक्षय कुमार सोलो फिल्में ही करना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार टाइगर को लेकर कैसे हाँ कर दी, चलो जानते हैं। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्मों की बात करें या फिर टाइगर श्रॉफ की, दोनों की पिछले काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर किस्मत सोई हुई थी। खिलाड़ी कुमार की एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी, तो वहीं टाइगर की फिल्मों को भी थिएटर में दर्शक नहीं मिल रहे थे। ऐसे में जब अली अब्बास जफर की ये फिल्म अक्षय को ऑफर हुई तो तलाश मची दूसरे खिलाड़ी की। काफी मशक्कत के बाद टाइगर के हाथ ये प्रोजेक्ट लगा। अक्षय के नाम पर अली अब्बास ने टाइगर को साइन किया, शायद ये सोचकर कि टाइगर के नाम पर ना सही, कम से कम अक्षय के नाम पर तो फिल्म चल ही जाएगी। बात भी ठीक है, टाइगर का करियर हीरोपंती 2 के बाद से ही डगमगा रहा है। ऐसे में अक्षय ने सहारा दिया तो फिल्म भी हाथ लगी और पुरानी गर्लफ्रेंड भी। वैसे ईद के मौके पर रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां इन दोनों सितारों के करियर में एक उम्मीद की किरण बनकर आई है।
चलिए अच्छा है, कम से कम अक्षय के चक्कर में टाइगर का भी भला हो जाएगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग तो अच्छी गई थी, लेकिन टक्कर मैदान से है। फिलहाल तो फिल्म को लेकर लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए कि दिशा पटनी का टाइगर की फिल्म की स्क्रीनिंग में आने का क्या मतलब है। समथिंग इज फिशिंग। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।